हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा था, आपने डिमांड किया था कि इंग्लिश मीडियम वाला आपको क्या चाहिए, असाइनमेंट चाहिए। तो मैं ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाला आपका क्लास 12 अकाउंटेंसी है ना। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो आप, बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले डिफरेंसेस बिटवीन है ना इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला रेट ऑफ डिविडेंड। तो जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो क्या होता है, इक्विटी शेयर का फिक्स होता है और प्रेफरेंस शेयर का फिक्स नहीं होता। सॉरी, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स आर नॉट फिक्स। इक्विटी शेयर का क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर का फिक्स होता है। फिर है आपका पेमेंट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पहले हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करते हैं, उसके बाद इनको पेमेंट करते हैं इक्विटी शेयर्स को। फिर है आपका इट इज़ गिवन प्रॉफिट टू द पेमेंट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। पहले हम क्या इसको क्या करते हैं, हम पहले पेमेंट करते हैं। फिर है आपका लिमिटेड इनकम। देखो जो इक्विटी शेयर्स हैं उनका इनकम क्या होता है, लिमिटेड नहीं होता है, नॉन लिमिटेड होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का इनकम जो होता है वो फिक्स रहता है और लिमिटेड रहता है। फिर है वैल्यू। द वैल्यू ऑफ दिस शेयर्स आर जनरली लेस, कम होता है ना। और द वैल्यू ऑफ दिस शेयर आर जनरली मोर, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू ज़्यादा होती है। फिर है रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड इज़ हाई। रेट जो आपका डिविडेंड का रेट है वो इक्विटी शेयर्स का हाई रहता है और प्रेफरेंस शेयर का क्या रहता है, कम रहता है। फिर है प्योरिटी ऑफ पेमेंट। पेमेंट ऑफ दिस शेयर्स आर डन लेटर। यहाँ पे क्या करते हैं, जब कंपनी का समापन होता है तो प्योरिटी किसको रहता है, प्रेफरेंस शेयर को, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्विटी शेयर वालों को पेमेंट करते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या रहता है, प्रेफरेंस रहता है पेमेंट के समय। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेप्टर अंडर द कॉमन सील द कंपनी। क्या बोला जा रहा है कि ये एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट है। इसमें क्या होती है, कंपनी की एक सील होती है, सार्वमुद्रा होती है। इट्स कंटेंट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट, ठीक है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिबेंचर। डिबेंचर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोन, लोन का है ये। फिर है फिक्स इंटरेस्ट रेट एवरी ईयर। A डिबेंचर इज ऑल्सो नोन एज फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, है ना। फिर डिबेंचर हैज़ अ कॉमन सील ऑफ द कंपनी। जो डिबेंचर है उसके उस पर कंपनी की कॉमन सील होती है। फिर है आफ्टर अ फिक्स्ड एंड डेफिनाइड टाइम डिबेंचर्स इज रिडमेबल। मतलब जो डिबेंचर होता है वो एक टाइम के बाद रिडमेबल भी होता है। फिर है डिबेंचर्स होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। डिबेंचर्स होल्डर डू नॉट हैव द राइट टू वोट इन द कंपनीज जनरल मीटिंग। ये कंपनी के जनरल मीटिंग में क्या करते हैं, ठीक। फिर है समता लिमिटेड इशूड 4,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपये इच, पेपर रेट 10 ऑन एप्लीकेशन, ऑन 30 ऑन अलॉटमेंट एंड 60 on call. All amount duly received past necessary general entries in the books of the company, है ना। फिर यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 3, है ना। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपको अमाउंट दिया गया है, आपको 10 दिया है, 10 दिया है एप्लीकेशन, 30 दिया है अलॉटमेंट और 60 दिया है कॉल, और सारा जो अमाउंट है आपको रिसीव हो चुका है। तो देखो सबसे पहला मैंने बताया था हिंदी वाले में, जैसे 2 एंट्री होती है। सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री होगी, तो कितना रुपए है आपका, कितने शेयर्स हैं, फोर 4,000 शेयर्स हैं, है ना। 4,000 शेयर हैं और एप्लीकेशन में कितना है, 10 रुपये, तो कितना हो जाएगा, 40,000, ठीक। फिर हो जाएगा आपका 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू डिबेंचर। इसको क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन का अमाउंट है उसको हम क्या करेंगे, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कितना हो जाएगा 40,000। फिर है 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब जो अलॉटमेंट होता है और कॉल होता है वो पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1,20,000। फिर है आपका बैंक अकाउंट डेबिट, तो जब रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये कितना हो जाएगा 1,20,000। फिर है आपका कॉल की एंट्री 9% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू डिबेंचर अकाउंट, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,40,000। फिर है रिसीव की एंट्री बैंक अकाउंट टू 9% फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, रिसीव हो रहा है यहाँ पे कॉल मनी, तो ये कितना हो जाएगा 2,40,000। टोटल कर लोगे 8,00,000 आ जाएगा आपका। फिर पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है बी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट और इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो इंक्लूडिंग जो आपका अलॉटमेंट में प्रीमियम वो कितना है ₹2 है, तो ₹3 किसका हो जाएगा आपका अलॉटमेंट का। बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर 12,000 शेयर्स वेयर रिसीव्ड एंड अ कंपनी रिटर्न द एप्लीकेशन अमाउंट ऑफ 2,000 शेयर्स, ऑल ऑफ द मनी ऑफ रिमेनिंग शेयर्स वेयर ड्यूली रिसीव पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। देखो शेयर कितने हम इशू किए थे 10,000, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आया है 12,000 के लिए। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट एंट्री होगी आपकी 12 इंटू कितना था एप्लीकेशन पे अमाउंट हमारा 3, तो कितना हो जाएगा 36,000। जब एप्लीकेशन रिसीव होता है तो होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना हो जाएगा 36,000 रिसीव एप्लीकेशन अमाउंट। और क्या बोला जा रहा है कि 2,000 जो एक्स्ट्रा शेयर के लिए हमको क्या आया है एप्लीकेशन आया है उसको हम क्या करेंगे रिटर्न करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे जो एक्चुअल अमाउंट है 10,000 हम इशू किए थे शेयर, तो 10,000 का अमाउंट 3 के बेस में कितना हो जाएगा आपका 30,000, उसको हम क्या करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपका एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा एक्चुअल अमाउंट क्या है 30,000। कैसे 10,000 हमारा शेयर ₹3 के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका 30,000। फिर है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये क्या है रिटर्न करने की एंट्री। जैसा हमको रिसीव होता है उसके अपोजिट एंट्री हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न कितना करना है 2,000 एक्स्ट्रा था तो 6,000। फिर है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ₹5 था आपका प्रीमियम विथ प्रीमियम है ना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम, ये क्या है ड्यू हो रहा है ना। 50,000 अलॉटमेंट का था, शेयर कैपिटल है ना अलॉटमेंट कितना था 30 और प्रीमियम कितना था ₹2, तो 10,000 के मतलब 10,000 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 20,000। फिर है बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव होगा अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। फिर है आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना हो जाएगा ड्यू होगा तो 40,000। फिर है ड्यू टू कॉल अमाउंट, ठीक है। फिर है जब रिसीव होगा कॉल का अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना हो जाएगा आपका 40,000 2,52,000 और 2,52,000 आपका टोटल हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट से और मैं इंग्लिश मीडियम के वीडियोज़ डालूँगी। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल MPC रायपुर चैनल ज्वाइन करके सब्सक्राइब करके आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। धन्यवाद।